सेंटर के टीचर कहते आज बाबा गुरुवार है, बहुत अच्छी तरह से सिर पर स्नान भी किया, खाना बाबा को भोग बनाया, भोग बना के भोग डब्बे में डाल के रख दिया। वतन में गई टीचर दूसरी, उसको दिखाया बाबा ने बच्ची सांप लेके आई, तो बाबा भोग के डब्बे में सांप कैसे आएगा बताओ, बाबा ने उनको सांप दिखाया। और वो बहन अभी जीवित है, गुजरात में जयपुर सेंटर में भोग लगाया था, वो सेंटर बहन कैलाश बहन करके गांधीनगर में अभी भी है, पूछ सकते हो। इतने में पूछता तो भंडार भोग में सांप कैसे आया, हाँ सुना था, हाँ तभी कहा कि बाबा को भोग लगा, स्नान भी क्या फेंक चलता है, बाल का पनीर की सब्जी बनाई थी, बाल का टुकड़ा पनीर की सब्जी में रख गया, भोग ला के रख दिया, बाबा ने दिखाया। क्यों, देवताओं को भोग लगाना और भगवान को भोग लगाने में अंतर है, देवी देवता शरीरधारी है, ये निराकार सर्वशक्तिवान पवित्रता का स्वागत है। तो थोड़ा सा बात कर, बाबा ने कहा देख लो कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है, डब्बी खोला देखा पनीर की सब्जी में बाल का टुकड़ा। कभी गड़बड़ी करते हो, सब सब्जी साफ किया पत्ता गया, सफाई नहीं किया चावल धोया, धान गया पट्टी गई पत्तल गया, बहुत अच्छे तरीके स्वच्छ करके तब का आपको दिन में भोग लगा। सवेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पति नौकरी में जाते, गड़बड़ी होती है ना, दिन में खाली है, आराम से सब्जी काट के बाबा के याद में भोग करके बाबा को भोग लगाना चाहिए, इसलिए विधि बताया। ठीक है, अभी फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछना, तब तक प्रकाश भाई पूछ रहे हैं। हाँ चलेगा, फल काट करके रखो, केला रखो एप्पल रखो, नहीं काटने वैसे ही फल लगाओ चलेगा, मना फल का भोग लगाओ, कहने का बाप फल का लगाओ, खाना बना फिर सफाई नहीं है इसके चलेगा। चलेगा फल से लगाओ, ड्राई फ्रूट लगा दो चलेगा, मिश्री मिश्री बादाम काजू किशमिश रखो, ड्राई फ्रूट रखो और ये भी रखो चलेगा। ठीक है,